देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 लाख से ज्यादा केस आने लगे हैं। ये पहली बार है जब तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2,68,833 नए मामले मिले। कल से आज 4,631 ज्यादा मामले मिले हैं। इसके साथ ही देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या भी 14 लाख के पार पहुंच चुकी है, जो काफी गंभीर है। डॉक्टर्स से लेकर एक्सपर्ट्स और प्रधानमंत्री इस कंडीशन को लेकर लगातार आगाह कर चुके हैं। इस महामारी से लड़ने में सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही अहम हथियार है, क्योंकि दिल्ली में 75% मौतें उनकी हुई हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। वहीं देश में ओमिक्रॉन के कुल 6,041 मरीज अब तक मिले हैं। जिस तरह पूरे देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें वैक्सीन ही है जो लोगों को बचा रही है। क्रिटिकल जो लोग हैं उनको बचाने के लिए वैक्सीन सबसे कारगर साबित हो रही है। पिछले 3 दिन में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में देश में संक्रमण का हाल क्या हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अगले 2 या 3 दिनों में ये रोज आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा है जो 3 लाख को पार कर चुका है और 14 लाख एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर पहुंच चुकी है। देखिए किस तरीके से लगातार संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तीसरी लहर में 2 लाख केसेस की हैट्रिक लग चुकी है। आपको बता दें कि यह तीसरा ऐसा दिन है जब लगातार 2 लाख केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। 12 जनवरी की बात की जाए तो 2,47,000 केसेस दर्ज किए गए, साथ ही 380 लोगों ने जान गंवाई। 13 जनवरी के आंकड़े की तरफ नजर दौड़ाएं तो 2,64,000 मामले सामने आए और 315 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 14 जनवरी को एक बार फिर से 2,68,000 मामले दर्ज किए गए और 398 लोगों ने अपनी कोरोना के कारण जान गंवाई है। लगातार 3 दिन 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो बता रहा है कि किस तरह से तीसरी लहर का जिसके खतरे की हम बात कर रहे थे, उसका प्रकोप शुरू हो चुका है। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा फेज है। आज रात 10 बजे के बाद से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,384 नए केसेस सामने आए हैं और 34 लोगों की अब तक मौत हुई है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनमें हर तीसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनकी मौत ज्यादा हो रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले 4-5 दिनों में 86 मौतें ऐसी हुई हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। खतरे की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ रहा है और यह अलार्मिंग है। यह बुधवार के 26% से जो पॉजिटिविटी रेट था उछलकर शुक्रवार को सीधे 31% पहुंच गया, यानी कि 5% का इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं इसका मतलब उनमें हर तीसरा शख्स पॉजिटिव पाया जा रहा है, कोरोना संक्रमित वो पाया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि दिल्ली में जो भी डेथ हो रही है उसमें करीब 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली थी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 86 मौतें ऐसी हुई हैं जिन्होंने वैक्सीन की सिंगल डोज भी नहीं ली थी, यानी कि सबसे ज्यादा खतरा उन्हें है जिन्होंने वैक्सीन की अब तक एक भी डोज नहीं ली है। और अब राजधानी दिल्ली के आंकड़ों की बात करें तो उस पर भी नजर दौड़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में कितने नए केसेस दर्ज किए गए हैं, साथ ही पॉजिटिविटी रेट क्या है वो आप हमारी एलईडी पर देख रहे हैं। 24 घंटे में 34 लोगों ने जान गंवाई है और पिछले 3 दिनों में 105 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24,383 नए मामले बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट देखिए 30.64% राजधानी दिल्ली में दर्ज किया गया है, यानी कि हर तीसरा इंसान, 3 टेस्ट में हर एक इंसान पॉजिटिव पाया जा रहा है। दिल्ली में दूसरे हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है लेकिन जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ओखला मंडी की बात करें तो इस छूट के बाद लोग यहां पर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ना तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही लोगों ने मास्क लगाया है और यह इनके लिए परेशानी का सबब। दिल्ली में लगातार दूसरे हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू जारी है।
शुक्रवार रात 10 बजे से ये वीकेंड कर्फ्यू शुरू होकर सुबह सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। कुल 55 घंटे का ये वीकेंड कर्फ्यू है। इस वक्त हम ओखला मंडी में हैं, हालांकि जरूरी सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। जो सब्जी की दुकान है, सब्जी विक्रेता है, वो लगातार आप देख सकते हैं कि किस कदर ओखला मंडी में भीड़ है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने मास्क और मफलर के जरिए एक तरह से कोरोना से बचाव की कोशिश की है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर यहाँ पर कुछ भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आएगी, क्योंकि आढ़ती है, सब्जी विक्रेता है और जो खरीदार हैं उनको यहाँ पर छूट है कि वो सब्जी लेने आ सकते हैं। इसके अलावा किराना दुकान है, मेडिकल स्टोर है, उनको इससे छूट दी गई है और ये वीकेंड कर्फ्यू जारी है। हालांकि कोरोना के केसेस में पिछले 24 घंटे में 4000 केसेस में कमी आई है और कुल 24000 के करीब ये केसेस हैं। हालांकि जो संक्रमण दर है वो भी 15% के करीब बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली की ओखला मंडी का हाल आपने जाना। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए देश भर में पाबंदियों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा फेज है। सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि दिल्ली में जो भी डेथ हो रही है उसमें करीब 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है वो इस बात की महत्वता को समझाता है। देखिए, दिल्ली में 97 मौतें दर्ज की गई हैं और 86 तो ऐसे लोग हैं जिनकी मौतें दर्ज हुई हैं उन लोगों ने वैक्सीन की सिंगल डोज भी नहीं ली है, यानी कि वैक्सीन लेना बहुत जरूरी। जब भी हम 4-5 दिन का डाटा किया उसमें 86 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ था या सिंगल डोज था, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे सिर्फ 11 लोग थे। ये तो है कि भाई जो वैक्सीनेटेड है उनके कम नंबर है, परंतु सबसे बड़ी बात है जो भी डेथ हो रही है ना वो ज्यादातर कोमोर्बिडिटीज की वजह से हो रही है। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर है, किडनी डिजीज है, हार्ट की कोई गंभीर बीमारी है, तो वो जो लोग हैं कोमोर्बिडिटीज वाले ज्यादातर हैं। जिनको कोमोर्बिडिटी नहीं है ऐसे बहुत ही रेयर केसेस हैं। मौत का आंकड़ा कमी नहीं, बहुत ही कम है। पिछली बारी कोरोना की वजह से डेथ हो रही थी, पेशेंट हॉस्पिटल में आता था, घर से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आ रहे होते थे, लगा के आ रहे होते थे, ऑक्सीजन डाउन जा रही थी, कोविड निमोनिया सबको हो रहा था, वो केसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। अभी जो डेथ हो रही है वो कोमोर्बिडिटीज की वजह से हो रही है, तो डेथ का आंकड़ा बहुत ही कम है, तो ये कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा सीवियरिटी कम है। राजधानी दिल्ली का हाल आपने जाना। दिल्ली के बाद अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। यहां की कोरोना रिपोर्ट आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कितने नए मामले सामने आए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, 12 जनवरी की बात की जाए तो 12 जनवरी को यहां पर कई नए मामले दर्ज किए गए, 18,650। साथ ही 13 जनवरी को 11,712 मामले सामने आए और 14 जनवरी को 43,211 नए मामले दर्ज किए गए। जिसमें मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 32 लोगों ने 12 जनवरी को अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद 14 जनवरी को यह संख्या 19 हुई और 13 जनवरी को यह संख्या 36 थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।